स्टूडेंट, मैं भी उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आशा होगा आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस में कभी कभी ऐसा केस हो जाता है जो हमारे बिजनेस में एकाएक क्षति हो जाती है, यानी बिजनेस में चोरी हो जाता है, बिजनेस में आग लग जाता है। तो ऐसे केसेस में हम अपने बिजनेस में उस जले हुए चीजों का या चोरी हुई चीजों का अकाउंटेंसी कैसे मेंटेन करते हैं। ज्यादातर आजकल इंटरव्यू में जब इंटरव्यू देने जाते हैं या अकाउंट के लिए कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो कंपनियां या इंटरव्यूअर इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस पर आज हम जानेंगे कि लॉस बाय फायर अकाउंट क्या होता है और इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट क्या होता है, इसकी एंट्री कैसे मेंटेन की जाती है, यानी जब कभी कंपनी में किसी भी प्रकार के अचानक तरीके से कोई चीज जल जाता है या गोडाउन में आग लग जाता है या कोई वस्तु चोरी हो जाता है, तो उसकी अकाउंटेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, उसकी जनरल एंट्री मैनुअली कैसे तैयार किया जाता है। तो आज हम जानेंगे इमेज ऑफ लॉस बाय फायर अकाउंट एंड डेफिनेशन ऑफ लॉस बाय फायर क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले लॉस बाय फायर का डेफिनेशन जाने हम लोग। तो आपके सामने स्क्रीन पे है लॉस बाय फायर का डेफिनेशन। द गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर इज कंसीडर्ड टू बी लॉस फॉर द बिजनेस एंड इट इज क्लासिफाइड एज ए नॉमिनल अकाउंट। देयर फोर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, हेंस लॉस बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड। यानी स्टूडेंट, जो भी कुछ हमारा जल जाएगा या चोरी हो जाएंगे, ये सारे हेड्स जो होंगे डेबिट साइड में दर्शाए जाएंगे, चाहे वो हम उनके हेड्स डेबिट में रहेंगे, लेकिन जो चीज़ हमारा नुकसान होगा, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो हमारा गुड्स हो, वो क्रेडिट साइड में दर्शाए जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, इसका जनरल एंट्री देखें, इसकी जनरल एंट्री कैसे पास की जाती है। तो आपके सामने स्टूडेंट लॉस बाय फायर का जनरल एंट्री है। इसका एग्जांपल आपके सामने है, गुड्स फायर ऑफ ₹10,000, यानी 10,000 रुपये का माल जल गया, तो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। इसकी एंट्री पास करने का जो तरीका आपके सामने स्क्रीन पे है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुड्स अकाउंट 10,000, यानी नैसम लिख दीजिएगा बीइंग गुड्स ऑफ लॉस बाय फायर। तो ये है लॉस बाय फायर की जनरल एंट्री। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने, गुड्स थेफ्ट ऑफ ₹5,000, यानी 5,000 रुपये का माल चोरी हो गया, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। सेम आपके सामने है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू गुड्स 5,000। नरेशन देख लीजिए स्टूडेंट, बीइंग गुड्स ऑफ लॉस बाय थेफ्ट। आई स्टूडेंट अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है, द गुड्स कीप्ड इन द गोडाउन वेयर बर्न बट द लॉस वॉज 50% द टोटल गुड्स वैल्यू ऑफ ₹10,100,000। यानी स्टूडेंट, 1 लाख का माल गोडाउन में रखा हुआ माल जल गया, लेकिन नुकसान केवल 50% हुआ। जो टोटल गुड्स की वैल्यू थी वो 1 लाख रुपए थी, जिसके जल जाने पर केवल नुकसान कितना हुआ, 50%। तो इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, सेम है लॉस बाय फायर अकाउंट 15,000 एंड टू गुड्स 15,000। नाउ सेम सेम लिख दीजिए, बीइंग द गुड्स इन गोडाउन वेयर बर्न बट लॉस ऑफ 50%। तो ये स्टूडेंट था लॉस बाय फायर अकाउंट की जनरल एंट्री कैसे की जाती है। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि लॉस बाय फायर अकाउंट का डिफिनेशन क्या होता है और इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है। तो हर वीडियो के स्टूडेंट शुरू से लेके अंत तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो केवल एक वीडियो के रूप में नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि आज के डेट में
अकाउंटेंसी वर्क के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी वीडियोस यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं, ये सारे वीडियोस का सिलेबस एक सिलेबस बाई जैसे किसी संस्थाओं में जाके आप अकाउंट का क्लास सीखते हैं, टैली पढ़ने जाते हैं, तो ये एक प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का क्लास चल रहा है जिसे हर वीडियो हर शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो व्यक्ति अकाउंट लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहता है उसके लिए हमारा वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वीडियो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगला वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम जानेंगे कि जले हुए या चोरी हुए माल का क्लेम कैसे की जाती है, यानी क्लेम कैसे की जाती है, यानी अगला वीडियो देखेंगे इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।